इन खबर के वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा शादी के बंधन में बंध गई हैं। कल जोरदार शादी का फंक्शन उनका रहा मुंबई में आयोजित। पहले उनकी ओर से रजिस्टर्ड मैरिज की गई अपने घर पर, साथ ही साथ उसके बाद हुआ ग्रैंड रिसेप्शन जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे। जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा पिछले लंबे समय से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आखिरकार शादी के बंधन में दोनों बंध गए हैं। लेकिन दोनों की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर जहाँ एक तरफ खूब प्यार उन पर लुटाया जा रहा है, उनके लुक की तारीफ हो रही है, उनके प्यार की बातें हो रही हैं, तो वहीं एक बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो कि विरोध कर रहा है इस शादी का। खबर मैं आपको बता देती हूँ, बिहार की राजधानी पटना से है। पटना की हिंदू शिव भवानी सेना जिसकी ओर से कहा यह गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में एंट्री नहीं दी जाएगी, बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल ये एक संगठन है जो कि बिहार में है, बिहार की राजधानी पटना में। इस संगठन की ओर से बाकायदा पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं और उसी पोस्टर में लिखा गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा, बिहार में प्रवेश उन्हें नहीं दिया जाएगा। हिंदू शिव भारतीय सेना की तरफ से दरअसल आपत्ति जाहिर की जा रही है इस विवाह को लेकर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के। पोस्टर में जो लिखा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इस पोस्टर में सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी है और इस पोस्टर में हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से कहा गया है कि ये पूरे देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश हुई है, लव जिहाद का मामला इस शादी को बता रहे हैं हिंदू शिव भवानी सेना के जो लोग हैं। और साथ ही साथ कहा गया है शत्रुघ्न सिन्हा को कि इस विवाह पर पुनर्विचार करें शत्रुघ्न सिन्हा। और चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा का जो घर है उसका नाम है रामायण और शत्रुघ्न सिन्हा के जो दो बेटे हैं उनका नाम लव और कुश शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से रखा गया है। इस पोस्टर में ये कहा गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की शादी पर पुनर्विचार करें, साथ ही साथ अपने घर का नाम रामायण बदलें, अपने बेटे लव कुश का नाम भी वो बदलें चूंकि उन्होंने भी इस इस्लामीकरण को, इस लव जिहाद को बढ़ावा दिया है, ऐसा हिंदू शिव भारतीय सेना की ओर से कहा गया है। पोस्टर वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा और जगह जगह राजधानी पटना में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि इस शादी के जरिए इस्लामीकरण करने की कोशिश की गई है, हिंदू धर्म का अपमान इस पोस्टर में इस शादी को बताया गया है। शादी की बहरहाल बहुत सी फोटोज और वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। ऑफ वाइट कलर के आउटफिट में नजर आई हैं कोर्ट मैरिज के दौरान, यानी कि रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान सोनाक्षी सिन्हा, जबकि देर रात जो रिसेप्शन पार्टी हुई, जो वेडिंग रिसेप्शन हुआ उसमें पूरी तरह से भारतीय लिबास में सोनाक्षी सिन्हा नजर आईं। लाल रंग का उन्होंने जोड़ा पहना हुआ था, लाल रंग की साड़ी के साथ साथ मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ी सोनाक्षी सिन्हा के नजर आई। उनके लुक की तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, वहीं सोशल मीडिया पर अलग अलग कॉमेंट्स भी इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।